अब वो कहता है कि एमपीएस में हमें 1200 रुपए मिलेगा, तो हम हजारों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर पे जाके, हाँ ग्यारह सौ किलोमीटर दूर जाके 1200 1500 जो भी है उतनी दूर जाकर के हमारा बेटा देश का सेवा कर रहा है और लौटने के बाद उसे 800 रुपए मिलेंगे। ये सुनकर के उनकी माँ को बड़ा असर हुआ कि देश की सैनिकों के साथ इस तरह का बर्ताव और दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वो रोने लगी, मुझे भी आंसू आया और मैं बता दूं उसी दिन मेरा मन बिल्कुल द्रवित हुआ और मैं हर मंचों पर, हर सभाओं में, हर मीटिंगों में, हर इंटरव्यू में, आप अगर मेरे उठाकर देखेंगे आप कोई भी, तो मैंने उसमें सबसे पहला नाम और सबसे पहला सरकार को अगर इतिहास दिलाने काम किया तो अर्धसैनिक बलों के लिए मैंने किया। बहुत बहुत ये तो आपकी बड़ी बड़प्पन है, लेकिन आपसे एक और सवाल है, आपने क्या, अगर आपको मोदी से मुलाकात करने का मौका मिले, अभी तत्काल में जो है गए हुए थे आपके शिवगोपाल मिश्रा साहब गए हुए थे और अन्य लोग, डेलीगेशन गया था 11 लोग का, 33 लोग का नाम था, तो उसमें क्या कारण हो गया कि विजय बंधु जी नहीं गए? मैं जो समझ पा, ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिक्स हुआ यहाँ पे, 1 अक्टूबर की रैली के बाद किसी को आंदोलन कौन कर रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, कौन सा संगठन कर रहा है, कौन नेतृत्व कर रहा है, ये किसी को ऐसा नहीं कि अनोन है, सब पता है। उसके बाद शायद उन्हें हमें लगा कि ये व्यक्ति ओपीएस से समझौता उसके अलावा नहीं करेगा, शायद जिनको लगा कि हम अपने हिसाब से समझौता करा लेंगे, अपने हिसाब से उनको समझा लेंगे, अपने हिसाब से उन्हें हम बता लेंगे, तो शायद उन्होंने बुला लिया। और बुलाने में भी हमें जो लगता है दो चीजें वहां समझ आया, एक तो फोटो सेशन हुआ है, कोई वार्ता नहीं मेरे समझ आई है, जो कुछ अपना लिखना पड़ना होगा उन्होंने दे दिया होगा उन लोगों, जो लोग वहां गए रहे होंगे। और कैबिनेट सचिव का जो उत्तर आया था उसमें तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने जो हमें संशोधन की बात रखी थी वो हमने मान ली, इसका मतलब जो ये नया फार्मूला ऊट पटांग स्कीम आई है शायद इन लोगों ने दिया होगा, अब उनके उनके वक्तव्य के हिसाब से। तो और मजे की बात है कि जो लोग हैं सब के सब ओपीएस धारी है और सब लोग पूरा ओपीएस का आनंद ले रहे हैं, जीवन के कई बसंत निकाले हैं ओपीएस में और दूसरों को रेगिस्तान के उसमें भेजना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, सरकार के मंत्री जी हो, विधायक जी हो, सांसद जी हो, चाहे आपके गांव का प्रधान हो, चाहे आपको जिला पार्षद हो या कोई भी अन्य नेता हो, उनको ओपीएस मिलता है, इस पे अगर आपसे सवाल किया जाए तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और एक तरफ देश के लिए मरने वाला वो सिपाही जो बॉर्डर पर तैनात है, जो लद्दाख में है, जो तमिलनाडु में, जो आंध्र प्रदेश में, जो जेएनके में खड़ा हुआ है, जिसको पता नहीं कि अब गोली कब लग जाएगी, ये पता नहीं है कब कहां से निकल जाएगी, वो अर्ध सैनिक बल का सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान जो हैं, एसएसबी के जवान हैं, उनके बारे में उनको ओपीएस में ना देकर एनपीएस में देना, 2013 के एनपीएस में संशोधन करके नया पेंशन लाना, लगातार 4-5 पेंशन दे देना, जैसे अब अटल पेंशन योजना, ओपीएस योजना, यूपीएस योजना, एनपीएस योजना, अब इस पे आपसे सवाल किया जाए कि ये नेताजी को कौन सा पेंशन लेना चाहिए था, और जो पुराने लोग पेंशन ओपीएस ले रहे हैं वही लोग एनपीएस की पहले बखान कर रहे हैं, अब यूपीएस की बखान कर रहे हैं, इस पे अगर सवाल किया जाए तो क्या कहेंगे विजय बंधु जी? देखिए मैं आपको बताऊं, भाई राजनेताओं की जहां तक बात है वो लोक सेवक है, वो कहते हैं कि हम तो जनता की सेवा करने आए हैं, वेतन भत्ता और सुविधा पेंशन से कोई लेना देना नहीं, हम तो कहते हैं हम सर्वेंट है, सर्वेंट आता ही है वेतन भत्ते के लिए, तो सर्वेंट को आप पेंशन नहीं दोगे और जो लोक सेवक आए हैं वो लेंगे। और मजे की बात, मैंने जब आरटीआई लगाई तो पहले लोगों को, देश को नहीं पता था कि नेता कई कई पेंशन लेता है, मैंने जब आरटीआई लगाई तो लोगों को पता चला कि वो कई, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पेंशन ले रहे हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल साहब थे, 10 बार के विधायक, 4 बार के सांसद, पौने 6 लाख रुपए पर मंथ उनकी पेंशन। राष्ट्रपति का जो वेतन है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति हो गया और उनका जो राजकोष से ड्रा होगा वो राष्ट्रपति से बड़ा कुछ नहीं होता, 1 रुपए भी ज्यादा नहीं हो सकता, 1 रुपए भी राजकोष का जो नियम है, जो संविधान का नियम है, और वो 5 लाख वेतन पाती है और वो बादल साहब 6.25 लाख रुपए पेंशन लेते हैं। मतलब एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री को, पूर्व सांसद को, पूर्व विधायक को पेंशन 5.25 लाख की जरूरत है, और देश का जो आन बान शान है और अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाला, बॉर्डर पर खड़ा रहने वाला व्यक्ति को पेंशन से आप वंचित कर रहे हैं। मैंने इसी बात पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम 2022 के जून में, 1 जून से चंपारण से
पूरे देश में आपका की 33 दिन लगातार एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ नहीं, हमने उसमें पहली लाइन मैं बताना चाहता हूँ, मैं पहली लाइन बताना, उसमें मैं पहली लाइन अपने रथ पर लिखवाया था, देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन न देना कौन सा राष्ट्रवाद है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा देश के किस कोने में मैं गया, तमाम आम पब्लिक भी सलूट किया, धन्यवाद दिया और कहा ये आपका मूवमेंट बहुत ही शानदार है, बहुत ही न्याय संगत है, देश का नेता चार चार पेंशन ले ला और अर्धसैनिक भी एक भी नहीं लेगा, इसका बहुत समर्थन। नहीं, हमने एक सवाल आपसे पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। डेलीगेशन में शिवगोपाल मिश्रा जी को बुलाया गया, उनके टीम से 11 लोग गए, उसमें देश के प्रखर चाणक्य की अदा भूमिका, क्योंकि चाणक्य भी एक शिक्षक थे, आप भी एक शिक्षक हैं, ऐसी भूमिका अदा करने वाले विजय बंधु जी को क्यों नहीं बुलाया गया, ये सवाल पूरा देश जानना चाहता है। क्या विजय बंधु जी टीचर हैं, चाणक्य हैं या बदलते भारत की सोच है, इसलिए नहीं बुलाया गया? नहीं, मैं आपसे बता दूं, शायद उनको इस बात का एहसास रहा होगा कि उनसे कोई समझौता पुरानी पेंशन के बगैर नहीं हो सकता है, शायद सरकार को इस बात को पता रहा हो। मैं अगर वार्ता में जाता भी तो मैं एक लाइन कह के आता कि अगर ओपीएस दे सकिए तो मैं बातचीत करूंगा, ओपीएस नहीं दे सकते हैं तो एनपीएस में सुधार और एनपीएस में और कोई और व्यवस्था में हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते, शायद इसीलिए बुलाया गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देश सुनना चाहता है, देश को मैं अपने तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कुछ लोग प्रधानमंत्री से मिलकर आए और अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो बहुत गालियां मिल रही हैं, कहना नहीं चाहिए, और विजय बंधु ना मिलकर के बधाइयां पा रहे हैं, इसका मतलब लोगों के अंदर जो विश्वास है, लोगों के अंदर जो विजय बंधु या उसकी टीम के प्रति लोगों का समर्पण है और जो उनकी सोच है, जो आपने कहा कि बदलते भारत की, मैं बता रहा हूं आपको कि इस देश का नौजवान एक भी जो एनपीएस में है वो एक भी एनपीएस और यूपीएस में नहीं रहना चाहता, वो खूब बहु पुरानी पेंशन चाहता है और विजय बंधु की एक लाइन की डिमांड है खूब बहु पुरानी पेंशन भाग। दूसरा आपसे एक कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो तो ओपीएस जैसी है ना, ओपीएस तो नहीं है ना जी, एक तर्क। दूसरा उन्होंने कहा कि वो लास्ट वेतन का 50% ओपीएस ही हो गई, जब ओपीएस ही हो गई तो लास्ट वेतन का प्रीपेड ओपीएस, फिर ओपीएस से नफरत क्यों, फिर सामाजिक सुरक्षा से इतनी नफरत क्यों हो रही है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप नहीं, अगर आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करा दी जाए, आपकी मुलाकात अगर खुदा न खास्ते प्रधानमंत्री जी के डेलीगेशन के साथ हो और एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाए, उसमें अगर विजय बंधु जी को बुलाया जाए, तो वो भी अपने माता जी से बहुत प्यार करते हैं, सुनने में आता है कि आप भी बड़ी माता जी से प्यार करते हैं, आशीर्वाद लेकर निकलते हैं घर से कि पता नहीं कब कहाँ FIR हो जाए, कब कहाँ आप पे जो है आपको फंसाने हो जाए, मतलब कौन फंसा देगा, और अभी तक विजय बंधु जी सब प्रखर होकर बोलते रहते हैं, तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कहिएगा जाते हैं? तो देखिए, मेरा अपना विश्वास, अगर मैं अपनी बात करूं तो प्रधानमंत्री से मेरी मुलाकात 10 मिनट बाद 11वें प्रधानमंत्री को मैं कर देता हूं, मिनट प्रधानमंत्री जी को मैं कन्विंस कर ले जाऊंगा और जो उनको गलत तथ्य दिए गए, जो गलत चीजें बताई जा रही हैं, जो आर्थिक भार बताया जा रहा है, हाँ, जब देश गुलाम था यही बात पे जब आपने कह दिया, जब देश गुलाम था, जब देश गुलामी से निकला, जब देश जिस समय जो है आर्थिक तंगियों से गुजर रहा था, यहाँ तक कि देश में जो है आपको जो है कर्फ्यू लग गया, देश में जो है तमाम चीजें दिखते हैं, उस समय ओपीएस बंद नहीं हुआ, और आज ये 5वीं अर्थव्यवस्था है तब भी ओपीएस देना नहीं चाह रहे हैं, और कुछ जो आर्थिक गणगणना करने वाले लोग हैं जो ओपीएस ले रहे हैं वो कन्वेंस करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को कि देश गुलाम हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था खराब, जो कर्मचारी कमा के देता है वो कर्मचारी को जो है रोड पे ला के 60 साल के बाद उसकी बहू घर से निकाल दे, इस प्रकार से व्यवस्था बैठाई गई है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि 5वें स्थान का अर्थव्यवस्था और पुराने में जो है व्यवस्था गड़बड़ जहां थी, आर्थिक अर्थव्यवस्था जहां गड़बड़ थी उस समय ओपीएस था, और जहां व्यवस्था 5वें स्थान पे पहुंची अर्थव्यवस्था, यहां पे अगर आपसे एक सवाल किया जाए कि इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग ये अर्थशास्त्री बन के जो ज्ञान, क्योंकि गुना भागा कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा गुना भागा तो टीचर करता है, तो इस पे आपकी क्या सवाल रहेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब देश आजाद हुआ उस समय हमारे पास खाद्यान्न भी नहीं था, हमें खाद्यान्न भी बाहर से मंगाना पड़ता था, उस दौर में भी सामाजिक सुरक्षा जैसी लोक कल्याणकारी व्यवस्था इस देश में चलती रही और लगातार कई साल चलती रही, किसी को दिक्कत नहीं। और यह तो दो बातों में, एक बात आपकी सही हो सकती है, यह तो आप कहिए कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है,
फिर तो हम चलो एक बार हम सोचे कि क्या हो सकता है, फिर आप दूसरे दिन बयान दे देते हैं कि हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, हम तीसरी हो गए, हम चौथी हो गए, हम पांचवी हो गए। एक तरफ जब हम आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं तो उस आर्थिक महाशक्ति का ये बड़ा समूह जो आपकी तमाम सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, तो उस आर्थिक महाशक्ति में उसका क्या, उसको क्या मिल रहा है? हम आर्थिक महाशक्ति भी बन रहे हैं और जब पेंशन देने की बात आई तो आर्थिक भार बताने लगते हैं। तो ये बिल्कुल सफेद झूठ बोल जा रहा है। इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, बहुत लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आर्थिक मंदी, आर्थिक भार कैसे, जब इस देश में हजारों एक घंटे की हजारों करोड़ की रैलियां होती है, इस देश में हजारों हजारों करोड़ उद्योगपतियों को माफ कर दिया, बड़ा गुना भागा करके रखे हैं, हजारों हजारों करोड़ के घोटाले होते हैं, तब देश संकट में नहीं आता, तब देश में मंदी नहीं आती है। जब हम अर्धसैनिक बलों को पेंशन देना होता है तो अर्थतंत्र का बताया जाता है, और अर्थशास्त्रियों से मैंने कई बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से मेरी मुलाकात हुई डिबेट में, मैंने उनसे एक ही बात पूछा कि आप हमें बता रहे हो कि आर्थिक समस्या आएगी, आर्थिक भार आएगा, आपने नेताओं के सुख सुविधाओं, वेतन भत्ते, जो भी तमाम बिजली पानी आवास सुरक्षा सब मिल रहा है, उस पर कभी कोई निचोड़ निकाला गया, कभी बताया गया इस देश को? तो इस देश का असली भार तो राजनेता है, इस देश के असली भार तो वो जो जो 4400 विधायक है, ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे 4400 विधायक है, 4400 वर्तमान में पूरे भारत में 4400 विधायक है। और एक आंकड़ा छोटा सा रख दें, अभी तक जो है जीते हुए हारे हुए तमाम सांसद देखा जाए तो आप अभी वर्तमान में जो है 1700 सांसद और जो है पुराने नए सब मिला के अभी तक जो है पेंशन पा रहे हैं, ये अभी का आंकड़ा है। और उनको जो है ट्रेन में अभी भी फ्री है, जो हार गए हैं उनको एक डेलीगेशन, उनका परिवार का टिकट सब कुछ फ्री है, दवा दारू सब फ्री है, गाड़ी फ्री है, तमाम व्यवस्थाएं फ्री है, लेकिन एक जवान की बात कह दी जाए तो इस समय रोड पे है, उसको पता नहीं है कि 60 साल के बाद कहां जाएगा। देखिए वो